नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए अगेन अ फ्लूइड मशीनरी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल का हम कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट टू, दिस इज द यूनिट क्वांटिटीज इन टर्बाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं यूनिट पावर लिखा हुआ है, यूनिट डिस्चार्ज लिखा हुआ है, यूनिट स्पीड रखी हुई है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी से रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दिस इज द यूनिट क्वांटिटीज इन टर्बाइन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अंडर दिस टॉपिक यूनिट क्वांटिटीज टर्बाइन हमने कल डिस्कस किया था, दिस इज यूनिट पावर। तो आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द यूनिट डिस्चार्ज। अब ये यूनिट डिस्चार्ज क्या है और टर्बाइन में इसे कहाँ यूज किया जाता है और क्या है ये यूनिट डिस्चार्ज, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। सपोज मान लीजिए एक टर्बाइन है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पानी के हेड पे ऑपरेट होती है। सपोज एक टर्बाइन है, मैं यहां पर फ्रांसिस टर्बाइन बनाता हूं जो क्या बोलते हैं पाइपलाइन के इनबिल्ट होती है। एक काम करता हूं, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज माय दिस वन कलर। ओके, मैं जो समझाना चाहता था, मान लीजिए एक टर्बाइन है वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे ऑपरेट होती है। सपोज दिस इज इनबिल्ट टर्बाइन, यानी कि फ्रांसिस टर्बाइन तो पाइपलाइन में सेट होती है, यानी कि पाइपलाइन में ही फिट रहती है। ठीक है, ये हमारा फ्लो है, क्लियर हो गया ये। ओके, तो हम मानते हैं सपोज कि ये आपकी 25 मीटर के हेड पे ऑपरेट होती है। पानी का जो प्रेशर, देखिए प्रेशर को कन्वर्ट किया जा सकता है हेड में, हेड को कन्वर्ट किया जा सकता है प्रेशर पे, ठीक है, by using some formula P equal to rho gh, clear हो गया। Pressure, this is the pressure, h is head, rho is the density of water जो flow हो रहा है, g is the acceleration due to gravity। तो मान लीजिए ये Francis turbine है जो एक pipeline में fit है, ठीक है, वो operate हो रही है कुछ head पे। यहाँ पर head क्या है, वो भी पानी द्वारा दिया गया head है। इसके आजू बाजू जो भी पानी मतलब यहां से गुजरेगा, तो उस दौरान जो पानी का हेड होगा टरबाइन के ऊपर वो 25 मीटर का। ओके, तो डेफिनेटली ये कुछ आरपीएम पे भी ऑपरेट हो रही होगी, आरपीएम पे कुछ रोटेट हो रही होगी। तो मान लीजिए वो है 20 आरपीएम, कितना है 20 आरपीएम। ओके, डेफिनेटली उस दौरान कुछ फ्लो रेट भी होगा फ्लूइड का, जिससे वो बह रहा होगा, क्लियर होगा। फ्लो रेट तो फ्लो रेट पाइप इस टर्बाइन से पहले और टर्बाइन के बाद वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, यहां पर भी सेम ही रहने वाला है। फ्लो रेट भी कुछ होगा, मान लीजिए वो है 20 लीटर पर मिनट। ओके, उस दौरान वो कुछ पावर भी जनरेट कर रही होगी, ठीक है, मान लीजिए पावर है 900 किलोवाट। यही चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि टर्बाइन, देखिए दीज आर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, और भी हो सकते हैं। कल हम बात करेंगे, नेक्स्ट वाले में बात करेंगे यूनिट स्पीड की, तो फिलहाल इसमें बात करेंगे यूनिट डिस्चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यूनिट डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमारा निकलने वाला क्या है, हमारा निकलने वाला है एक रिलेशन जो डिस्चार्ज और हेड के बारे में एक रिलेशन देगा, डिस्चार्ज एंड हेड, ठीक है, जिस पर ये ऑपरेट होने वाली है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था इसे समझने के लिए, एक टर्बाइन है जो पाइपलाइन में फिट है, ये ऑपरेट, ये पैरामीटर्स पे ऑपरेट हो रही है। मान लीजिए इसी टर्बाइन को एक अलग पैरामीटर पे ऑपरेट होना है, क्या, तो जरूरी नहीं कि इसको हमेशा इसी पैरामीटर्स पे ऑपरेट होना है। सपोज तो ये यूनिट क्वांटिटीज जो होती हैं टर्बाइन के अंदर जो यूटिलाइज की जाती हैं, ये टर्बाइन की परफॉर्मेंस को बताने के लिए निकाली जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये यूनिट क्वांटिटीज जो है टर्बाइन के अंदर, ये किस लिए यूज की जाती है, ताकि कोई भी टर्बाइन कोई दूसरे पैरामीटर पे अगर ऑपरेट होती है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसी वजह से ये यूनिट क्वांटिटीज बताई गई है, इससे हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिस्चार्ज के बारे में, तो हमें रिलेशन मिलेगा क्यू और एच के बीच में। एच हेड है और क्यू आपका फ्लो रेट है जो आपकी टर्बाइन के आजू बाजू से गुजरता है। कल हमने देखा था यूनिट पावर, जिसमें हमें रिलेशन मिला था पावर और एंड हेड के बीच में, पावर एंड हेड के बीच में। तो आज यूनिट डिस्चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये है हमारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स इस टर्बाइन के। मान लीजिए इसी टर्बाइन को अगर एक अलग हेड पे ऑपरेट होना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज यही टर्बाइन को, ठीक है, अगर अलग हेड पे ऑपरेट होना है, सपोज 10 मीटर के हेड पे चाहिए, कितना है हेड 10 मीटर। आरपीएम अब हमें पता नहीं, फ्लो रेट हमें पता नहीं, पावर इसने कितनी जनरेट करनी वो हमें पता नहीं, तो हम ये कैसे पता करेंगे। ये इसी रिलेशन का यूज करके जो हमें यूनिट डिस्चार्ज से मिलेगा, और लास्ट में हमें एक रिलेशन मिलेगा किसके बीच में, क्योंकि आज हम यूनिट डिस्चार्ज करने वाले, तो
फ्लो रेट और हेड के तौर पे हमें रिलेशन मिलेगा। तो इसी को प्रिडिक्ट करने के लिए ये फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं, मगर इस दौरान क्या होता है कि हेड को यूनिट हेड कंसिडर कर लिया जाता है, समझ रहे हैं आप, हेड को यूनिट हेड कंसिडर कर लिया जाता है, क्लियर हो गया। उस दौरान अभी यूनिट हेड कंसिडर करने का रीजन क्या है कि अगर हम देखिए, वैसे तो आपकी टर्बाइन अलग अलग हेड पे ऑपरेट होती है, मगर जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये फॉर्मूलेज लेके आते हैं तो आपकी टर्बाइन को यूनिट हेड पे ऑपरेट किया जाता है, यूनिट हेड का मतलब क्या है कि आपकी टर्बाइन को 1 मीटर के हेड पे ऑपरेट होना है पानी के, क्लियर हो गया। देन दूसरे पैरामीटर्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं, लाइक हो गया आपका पावर, लाइक फ्लो रेट, देन आपका हो गया और कौन सा है, स्पीड, आरपीएम हो गया। तो आई होप आपके सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब आज हमें पढ़ना था हमारा यूनिट डिस्चार्ज, तो फिलहाल तो मैं ये मिटा देता हूं सब बाकी सारी चीजें, ठीक है। आई होप आपको इसकी स्टार्टिंग तो समझ में आ गई, अगर जरूरत क्या है इसकी, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यूनिट डिस्चार्ज की डेफिनेशन, तो कहने का मतलब है ये है हमारी टर्बाइन जो हमारी फिट है, ठीक है, इस चैम्बर में, ये हमारी पाइपलाइन, ओके, फ्लो रेट इस साइड है, तो जो भी डिस्चार्ज होगा टर्बाइन के आजू बाजू, क्लियर हो गया। तो यूनिट डिस्चार्ज मतलब क्या है, यूनिट डिस्चार्ज क्यों बोलते हैं, देखिए ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कुछ फ्लो रेट होगा डेफिनेटली, अगर एंटर कर रहा है क्यू से तो बाहर भी निकलेगा क्यू से, यानी कि अंदर भी क्यू ही होगा, ठीक है। तो जो भी डिस्चार्ज होगा आपके टर्बाइन के आजू बाजू, क्लियर हो गया, कब, जब हमारा हेड जो होगा वो 1 मीटर होने वाला है, तो उस दौरान जो भी डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिस्चार्ज, और इसको डिनोट किया जाता है किसे, क्यू यू, क्यू यू, वैसे तो ये नॉर्मल क्यू है, डिस्चार्ज को क्यू बोलेंगे, ठीक है, यानी कि फ्लो रेट। तो उस दौरान जो फ्लो रेट होता है टर्बाइन के आजू बाजू वो डिनोट करते हैं क्यू, उसके बेस पे नीचे लगा रहता है यू, मगर कब, जब आपका जो टर्बाइन है 1 मीटर के पानी के हेड पे ऑपरेट होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी, क्या ए इज नथिंग बट एरिया, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी यहां पे फ्लूइड क्या है आपका, पानी रहने वाला है, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं ये जो फ्लो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और किसके है, वेलोसिटी के, ठीक है। मगर एक दिए हुए एरिया के लिए, एक कांस्टेंट वेलो एरिया के लिए, एक एरिया तो आपका कहीं चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर बोलेंगे स्पेशली इसका जिसके अंदर ये टर्बाइन बंद है, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन के अगर वो कॉन्स्टेंट एरिया रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है, फ्लो रेट चेंज हो सकता है, आरपीएम चेंज हो सकता है, हेड चेंज हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया भी, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आप देख रहे हैं ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। बट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, अगर आप देखेंगे दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हेड, समझ रहे हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड रेज टू पावर रूट, रूट का मतलब क्या होता है, मतलब ये है मेरा मतलब बोलने का, रूट मीन्स हाफ होता है, ठीक है। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है आपके इसके, ठीक है। तो मैं एक रिलेशन मिल जाता है हमारे को फ्लो रेट और हेड के बीच में, हम एक वेलोसिटी से रिलेटेड, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके वेलोसिटी के, बट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है आपके हेड के, और वो भी अंडर रूट हेड के, अंडर रूट एच के, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है, ओके। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो उसकी जगह आता है के वन, सपोज कल भी के वन आया था, आज मैं के वन, कल का के वन और आज का के वन, यानी कि जो भी हमने यूनिट पावर में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकाला था और वो क्या था के वन, और इसमें भी के वन है, वो दोनों सेम नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज मेरी आवाज जरा बैठी हुई है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मैं टॉपिक को, क्योंकि हर आए दिन मेरे यानी कि वीडियोस आते रहते हैं, आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि सही बहुत अच्छा टॉपिक मैंने बताया तो, ठीक है। और अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो जरूर लिखिएगा,
कोई भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज डू रेट रिकमेंड, और मुझे बताइएगा कौन से वीडियो चाहते हैं आप। ठीक ओके, तो ये आ गया, तो मैं इसी रिलेशन को अच्छे से वापिस एक बार लिख लेता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मगर आपने हमने सॉरी यूनिट डिस्चार्ज की डेफिनेशन क्या है। यूनिट डिस्चार्ज ये बोलता है कि जो भी फ्लो रेट, जिस फ्लो रेट से आपका फ्लूइड टरबाइन के आजू बाजू गुजर रहा है, मगर कब, उसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो हेड होना चाहिए पानी का वो 1 मीटर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है हेड क्या होना चाहिए, 1 मीटर। तो उस दौरान जो फ्लो रेट होता है वो क्या बन जाता है, यूनिट फ्लो रेट, यानी कि यूनिट डिस्चार्ज। क्यों, क्या है आपका फ्लो रेट, बहाव, डिस्चार्ज। ठीक है, तो मैं ये कंडीशन पुट करता हूं K1 की वैल्यू निकालने के लिए। तो Q क्या बन गया आपका, Q U ओके इक्वल टू K1 रूट H। H क्या बन गया, 1, और 1 क्या होता है, वो 1 ही होता है, देयरफॉर Q U इक्वल टू K1। आई होप क्लियर हो गया हो, तो K1 की वैल्यू आ गई। फिलहाल इसको मैं कर देता हूं 1, इसको कर देता हूं 2। ठीक है, ये 1 की वैल्यू मैं 2 में पुट करने जा रहा हूं, पुट वैल्यू 1 इन 2। क्लियर हो गया, तो मैं क्या क्या करूंगा, लिखूंगा यहां पे Q इक्वल टू K1 की जगह क्या लिखेंगे, Q U। ठीक है, Q U अंडर रूट H, और अगर मेरे को Q U की वैल्यू चाहिए तो दैट विल बी Q बाय अंडर रूट H। तो हमें क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया Q और H के बीच में, और दोनों का रेशियो जो क्या रहेगा अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट फ्लो रेट आपको मिलेगा। Q U क्या है आपका, यूनिट फ्लो रेट। यूनिट फ्लो रेट इसलिए बोलते हैं, यानी कि यूनिट डिस्चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यूनिट हेड पे हो रही है, और यूनिट हेड पे जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, देखिए हेड को क्या करते हैं, वो यूनिट पे मतलब जो भी टरबाइन है ना आपकी, 1 मीटर के हेड पे ऑपरेट करवाई जाती है, फिर दूसरे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है, समझ रहे हैं आप, और इससे फायदा क्या होता है कि आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें क्या रिलेशन मिला डिस्चार्ज और हेड के बीच में, तो अगर मैं नेट यूनिट स्पीड निकालूंगा तो हमें स्पीड और हेड के बीच में रिलेशन मिलेगा, उस दौरान भी आपका हेड यूनिट ही रखने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही सपोज अभी ये तो हो गया मेन आपका जनरल फॉर्म मतलब फॉर्म्यूला, दिस इज क्यू। सपोज एक टरबाइन एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज पे ऑपरेट हो रही है, सपोज वो है 1 पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर, 1, तो उसी के हिसाब से आपका हेड भी 1 पैरामीटर पे ऑपरेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे पैरामीटर पे ऑपरेट करें, कि अगर हम फ्लो रेट चेंज कर दें सपोज, तो कितना हेड पे ऑपरेट होगा, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मतलब ये वाले, और दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला, क्यू यू ही आएगा। आई होप आपको ये एजुकेशन वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने की। फिलहाल मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, मगर पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।